हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो का सेकंड पार्ट है। वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जा कर के आपको वहाँ लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो का फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट कीज़ हैं। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट कीज़ यहीं से आती हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस जी से क्या होता है, जंप लाइन, पैराग्राफ, पेजेस, गो टू का वहाँ पर ऑप्शन मिलता है। शिफ्ट प्लस F3 से चेंज केस, कंट्रोल प्लस F1 से हिड रिबन्स, कंट्रोल अल्ट प्लस क्लिक, इसका मतलब है आप माउस, पहले सबसे पहले अल्ट दबाना पड़ेगा अल्ट की, उसके बाद आपसे आप माउस की दबा देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको रिसर्च का ऑप्शन मिलेगा। कंट्रोल प्लस K से हाइपर लिंक, कंट्रोल प्लस T से टेबल, इसका मतलब सबसे ये कहाँ काम करता है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करता है। सबसे पहले आपको टेबल जो है सेलेक्ट करनी पड़ती है, इसकी रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है। सेलेक्ट कर लिया आपने, उसके बाद कंट्रोल प्लस टी दबा देंगे तो वहाँ टेबल आपकी बन जाएगी। कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक, कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस एम से इंक्रीज इंडेंट, मतलब पैराग्राफ जो है, अगर यहाँ पैराग्राफ आपका वो क्या होगा, आगे की तरफ खिसक जाएगा, मतलब आगे की तरफ खिसक जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम से डिक्रीज इंडेंट, जो पैराग्राफ आपका यहाँ पर है वो पीछे की तरफ खिसक जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस W से क्लोज़, आपकी जो विंडो है वो क्लोज़ हो जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन की से इंक्रीज फॉन्ट साइज़ हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्मॉलर देन की से डिक्रीज फॉन्ट साइज़ हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W से वर्ड में अंडरलाइन आ जाएगी, जैसे ये वर्ड लिखा है तो इसमें क्या हो जाएगी, अंडरलाइन आ जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D से डबल अंडरलाइन हो जाएंगी उस पर। कंट्रोल अल्ट प्लस F4 से वर्ड डॉक्यूमेंट जो आपने खोल रखा है वो क्लोज़ हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F1 से व्हाट इज दिस का ऑप्शन आता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C से कॉपी फॉर्मेटिंग, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B से पेस्ट फॉर्मेटिंग, कंट्रोल प्लस F5 से रिस्टोर, कंट्रोल प्लस F10 से मैक्सिमाइज। ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट कीज़ हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यहीं से फंसते हैं मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है। होम लाइन बिगनिंग, जहाँ पर भी आपका कर्जर होगा, जैसे मान लो कि ये पैराग्राफ है, आपकी लाइन से आपका कर्जर यहाँ पर है, तो क्या होगा कि अगर आपने होम दबा दिया तो आपका कर्जर फर्स्ट पेज में यहीं आ जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है। और पेज और एंड की से, एंड से क्या होता है कि जहाँ पर आपका कर्जर यहाँ पर है या कहीं भी है आपका कर्जर, वो बिल्कुल एंड में पहुँच जाएगा बिल्कुल, ठीक है। पेज अप से स्क्रॉल अप हो जाता है, पेज डाउन से स्क्रॉल डाउन हो जाता है। कंट्रोल प्लस एंटर से पेज ब्रेक हो जाता है, मतलब जहाँ पर भी आपका कर्सर रखा होगा और आपने कंट्रोल प्लस एंटर दबा दिया तो वहीं से आपका क्या होगा, पेज जो है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और जिसने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जा कर के वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख सकता है। मैंने वहाँ पर लिंक दे दी है, आप वहाँ से वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कीज़ हैं ये, आप ज़रूर करनी है, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इंपोर्ट यहीं कीज़ से आते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।